तो दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा माना जाता है, सपोज दैट ये हमारा टंग वाला पार्ट हो गया। हमारे टंग्स में टेस्ट को रिसीव करने के लिए बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, ठीक है। अभी तक का ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहां वाला पीछे वाला पार्ट, ये बिटर टेस्ट को फील करने के लिए होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर। और इसके आगे ये वाला बैक साइड में जो सेंटर पार्ट होता है, ये सॉर टेस्ट को रिसीव करता है। ये साइड वाला पार्ट होता है ये सॉल्ट के लिए, और सबसे आगे वाला पार्ट स्वीट के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये हमारे टंग के जो पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट को रिसीव करने के लिए टेस्ट बड पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे या नया वाला कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ऐसा उनको माना जाता है कि ये जितने सारे पार्ट होते हैं, ये सभी पार्ट क्या है, सभी पार्ट किसी न किसी टेस्ट को रिसीव करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। नोट करो इसको, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो रिसेंट एनसीईआरटी इन रिसेंट टेक्स्ट बुक, सर आप म्यूटेड हो गए थे। हाँ नहीं, अभी देखो मैं कह रहा कि रिसेंट जो टेक्स्ट बुक है, रिसेंट जितने सारे बुक्स हैं, उन सबका ये कहना है कि ह्यूमंस में हर टेस्ट पर हर टेस्ट को रिसीव करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। नोट कर लो इसको, इन जनरल इट इज कंसिडर्ड ह्यूमन टंग्स हैव In general, it is considered human tongues have four areas. Human tongues have four areas which is following to receive taste, but which is responsible for. Which is responsible for receiving taste. Full stop. But according to recent concept, every area of our body, every area of our body every area of our body sorry our tongue's body can receive all taste. अब देखो ये डायग्राम पूरा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? No sir. सर थोड़ा नीचे से रह रहा हूँ। यार थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा डायग्राम तो मैंने निकाल लिया। एक मिनट दो मुझे। मैं जरा डायग्राम देखूँ। डायग्राम है कहाँ पे? मैं इसको छोटा कर देता हूँ। Give me just one minute. मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप वो डायग्राम बनाओ जो मैंने हाथ से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मारा मारी नहीं, आप इसको स्कूल में भी बना के आ सकते हो। कट क्यों रहा है? यार इतना ही है क्या? चलो तब तक तुम लोग इतना बनाओ, है ना, मैं इंतजाम करता हूँ। बाकी जैसे इतना बनाओगे तब तक मैं बाकी का भी डाउनलोड कर लूंगा अपना, मैं तब तक मेल कर दूंगा अपने आप, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, ऊपर का तब तक बनाओ।
ऊपर का नीचे यहां तक गुनाह दिख रहा है, इसके नीचे ज्यादा कुछ पैसे नहीं है। बनाओ इसको जल्दी से बना डालो, और ये डायग्राम आपको स्कूल में ही बना के आना है। इसमें मैंने सभी पार्ट डिस्क्राइब कर दिए हैं। कर लिया क्या ऊपर वाला? नो सर।
ऊपर वाला बन जाए तो बता देना, ठीक ना? मैं आपको नीचे वाला डायग्राम मैंने डाउनलोड कर लिया, निकाल लिया, ले लिया, आपको मैं नीचे वाला भी दिखा दूंगा। अभी हो गया भाई? Done. कर लिया क्या बाकी लोगों ने? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, अब मैं दूसरा वाला पार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने दूसरा वाला भी डायग्राम अपने आपको क्लिक करके सेंड कर दिया है। एक मिनट दो, अभी दिख रहा होगा ना पूरा डायग्राम? Yes, अभी दिख रहा है ना? Yes, sir. थोड़ा सा और छोटा कर देते, अभी सही है ना? क्लियर है ना? Yes, अब मैं आपको हाँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको आप पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और मैं आपको साथ में समझा भी देता हूँ। देखिए, और आपको स्कूल में आए तो एकदम बिंदास यही बना के आएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। देखिए, ये यहाँ पर क्योंकि ये मैंने खुद में ड्रॉ किया हुआ है, आपको डायग्राम मिलेगा नहीं कहीं, ये कॉपी नहीं है। देखो यहाँ पे हर चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। देखो यहाँ पर क्या आप समझते जाओ, ऊपर की तरफ जब हम आते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा है ओरल कैविटी, जहां पर हम लोग खाना खाते हैं, है ना? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसी का बना लो ड्रॉ, आप कंप्लीट कर लो आप लोग, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक। और इजी है, डाइजेशन इज इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको जो याद रखना है वो आपको एंजाइम्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे।
अच्छा एक चीज और कंफर्म करनी थी कि आप लोग क्योंकि लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में मतलब लास्ट वेंसडे आप लोग नहीं आए थे, तो इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इस टाइमिंग में, इस क्लास में, इस डे में दिक्कत हो तो भी बताओ। और मऊना तुम यार कम आती हो है, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे चक्कर में क्लास डे अरेंज किया, हम लोगों ने टाइम टेबल चेंज किया, तुम एब्सेंट बोलते थे, क्या चक्कर ये बताओ मऊना? एब्सेंट क्यों रहते हो बेटा? Sir, I had some network issues few days back. Huh? I had some network issues. There was no Wi-Fi in my house. Okay, so so still you are facing network issue. Sir. हाँ जी बेटा. सर मंडे के बदले अब वेडनेसडे क्लास होगी? नहीं मंडे तो होगी होगी, देखो मंडे नहीं सॉरी मंडे, हाँ मंडे की जगह वेडनेसडे होगी। मंडे एक्चुअली क्या ना, मंडे हमारे पास बहुत क्लासेस हो जाती हैं, मंडे ये हो जाता है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ये रीजन भी है ये कि मंडे को मॉर्निंग 7 o'clock से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड इट एंड ऑफ एट 10:30 10 o'clock नाइट, तो मैं खुद में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ है ना, तो बीच वाली क्लास डिस्टर्ब ना होने पाए, प्रॉपर एकदम फ्रेश होकर के क्लास ले पाऊं, इसलिए मैंने सोचा वेंसडे को आपको क्लास होगी, ये दैट वाज द रीजन एक्चुअली। ओके सर। है ना, क्योंकि ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊंगा तो फिर उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा ना तुम्हें भी और आपके बाद वालों को भी, तो इसलिए ये चक्कर है। सर कोई बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक आता है क्या भी? हाँ बिल्कुल भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक देखो मैं सजेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को कि आप सब लोग अरिहंत लो, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं भी बोलता हूँ कि अरिहंत में मिस्टेक होती है, आई डू एग्री, लेकिन वो मुझे अच्छा ज्यादा लगा, बाकियों से ज्यादा अच्छा लगा। नॉर्मली आप ले सिंगेज भी सकते हो, सिंगेज इज द बेस्ट पब्लिशर है ना, लेकिन आपसे आई हैव सिंगेज, आई हैव अरिहंत, आई हैव दिनेश, मेरे पास ऑलमोस्ट सभी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक के लिए एररलेस ले, ठीक है ना, उसको दो घूंसे मारना मेरी तरफ से, एररलेस अगर कोई बोले, दैट सबसे बकवास और वाहियात बुक है एररलेस, है ना। So what I suggest कि आप एक काम करो MTG वाला क्वेश्चन बैंक कर डालो, पाशा पहले एक काम करो MTG वाला कर डालो, ठीक है? पहले MTG करना है उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको लेना है ये वाला। अगर आपको लगता है कि MTG आपने कर डाला पूरा, देन नेक्स्ट लेवल पे दो एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक करने हैं, नेक्स्ट अरिहंत। अभी नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इशिका हो गया? यस सर। एमटीजी पब्लिशर है आपाशा, एमटीजी इट्स वेरी फेमस पब्लिशर, एमटीजी का क्वेश्चन बैंक किसी से मांगोगे मिल जाएगी, ठीक है ना? मेरे पास है नहीं वरना मैं अभी दिखा भी देता, मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे अभी, मतलब मेरे डेस्क में नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास कैसा दिखता है वो एमटीजी का भी। और वेलकम बेटा, देखो आप देखो क्या है इसमें, मैंने सब चीज रिप्रेजेंट कर दिया, आप यहीं से समझो कि आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुंह के में जो खाली जगह होती है उसको अपन ओरल कैविटी बोलते हैं। देखो माउथ सिर्फ इस ओपनिंग को कहा जाता है जो खुलती है जिससे खाना अंदर जाता है, बाकी जो अंदर खाली जगह है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ऊपर की तरफ ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ऊपर वाली, ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। मैं यही बताते चलता हूँ, ये मैं सब चीज आपको लिखवाऊंगा, सिर्फ आपको क्या करना है एकदम 100% फोकस होकर के आपको समझना है चीजें, ठीक है? देखो ऊपर की तरफ ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है पहली बात, और दूसरी खास बात होती है जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आप जिसको बोलते हो मम्स हो गए, मम्स से टॉन्सिल बोलते हो, वो यही होती है, दैट इज अ इन्फेक्शन इन पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। नीचे आ जाते हैं दूसरी ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुआ वर्ड का मतलब होता है जीभ, टंग, तो जो टंग के नीचे पाई जाती है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आते तो ये एक ग्लैंड हो गई, तो एक पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हो गई, दूसरी सबलिंगुअल, तीसरी सब मैंडिबुलर, मैंडिबुल मीन्स होता है चिन, हमारी थोड़ी जो होती है, तो मैंडिबुल मीन्स चिन होता है, तो सब मैंडिबुलर जो हमारी चिन के नीचे, तो नीचे वाली सब मैंडिबुलर, उसके ऊपर सबलिंगुअल और सबसे ऊपर पैरोटिड ग्लैंड। यहां पर आपको तीन ग्लैंड दिखाई दे रही है, लेकिन दो पैरोटिड पाई जाती हैं, दो सबलिंगुअल और दो सबमैंडिबुलर, तो टोटल कितनी ग्लैंड हो गई, टोटल सलाइवरी ग्लैंड कितनी हो गई?
सिक्स तो हुई, सिक्स नहीं हुई? यस सर, सिक्स हो, सिक्स हो गई ना. सो वी हैव टोटल सिक्स सलाइवरी ग्लैंड. पहली चीज, कितने टाइप की हैं? तीन टाइप की हैं. एवरी टाइप हैव टू पेयर ऑफ, मतलब वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. अब देखो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर फेरिंग्स, सांस वाली जो हमारी नली होती है, ये विंड पाइप जो होता है, ये भाई साहब यहां से आता है. तो विंड पाइप यहां से एंटर करता है, पहले पीछे जाता है, फिर देखो ये आगे की तरफ चला जाता है. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. तो पहले क्या होता है, ये नाक की तरफ से आया, यहां गया और फिर आगे आ जाता है. तो इस तरह का होता है. फेरिंग्स के नीचे ये वो जगह है जहां पे हमारा ये वाला पार्ट, जहां पे हमारा विंड पाइप और ये फूड पाइप एक दूसरे से मिलता है. एक है यहां तक. विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा फूड पाइप बंद हो जाता है, या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाता है. इसके बीच में कर्टन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस जब हम सांस ले रहे होते हैं तो खाने वाले पाइप को, फूड वाले पाइप को बंद कर देता है, जिससे कि फूड हमारे लंग्स में ना चला जाए. आपसे मना किया जाता है कि आप जब खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, तो पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए. कई बार क्या होता है कि आप पानी पी रहे होते हैं, आपको कोई हंसा देता है, आपके नाक से पानी निकल आता है. ये वो समय होता है जब आपकी एपिग्लॉटिस हिल जाती है. विंड पाइप बंद होता है, किसी ने हंसा दिया तो विंड पाइप खुल जाता है, तो कुछ पानी का जो अमाउंट होता है, वाटर का अमाउंट होता है, वो आपके लंग्स में चला जाता है. ठीक है, और फिर आपको फिर तेजी से खांसी आती है और नाक के थ्रू निकल जाता है. और वो क्यों निकलता है, ये भी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में. अब नीचे आते हैं सर्विकल पार्ट. तो ये हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस हम लोग कहते हैं. तो यहां से लेकर के भाई साहब यहां तक वाला जो पार्ट है, इसको ईसोफेगस कहते हैं. ईसोफेगस को नॉर्मल लैंग्वेज में अपन कहते हैं फूड पाइप. फूड पाइप जो होता है, हम लोग पढ़ेंगे कैसा होता है, क्या होता है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ते हैं. फूड पाइप को फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला वाला पार्ट हमारा होता है क्या, सर्विकल पार्ट. सर्विक्स में होता है नेक, तो जो गर्दन के पास वाला होता है उसको हम सर्विकल पार्ट बोलते हैं. दूसरा होता है थोरेसिक पार्ट. थोरेक्स माने होता है हमारा ये रेस्पिरेटरी पार्ट, लंग्स वाला. तीसरा होता है एब्डोमिनल पार्ट, जो हमारे पेट के पास में होता है. तो ईसोफेगस फूड पाइप है. इस फूड पाइप को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्विकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट. अब क्या होता है, यहां पर बीच में ये हमारे क्या है, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है, इस कर्टन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डायफ्राम. डायफ्राम क्या करता है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पार्ट को अलग अलग करता है. डाइजेस्टिव पार्ट में सबसे पहले ये ऊपर स्टमक आता है. ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में. स्टमक यहां से ये थोड़ा सा कर्व है, और कर्व होने के बाद ये घुमा हुआ है. यहां से स्टमक खत्म होता है तो यहां से हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है. समझते जाइएगा बात को. इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, यहां से लेकर के पतला पतला दिख रहा है, ये सब आपको, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. मैं इसको कलर्ड कर देता हूं अब थोड़ा सा, ये वाला, ये जो पिंक कलर से मैं कलर कर रहा हूं. अरे ये पिंक कलर से जितना कलर्ड है, ये भाई साहब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट. ठीक है, ये सब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, यहीं पर ऊपर की तरफ आकर के इसमें खुलती है हमारी. देखो ये हमारा लिवर वाला पार्ट है, ये देखिए ये लिवर वाला पार्ट है, और यहां पे ये पैंक्रियाज वाला पार्ट है. पैंक्रियाज और लिवर दोनों ही एक पाइपलाइन के सहारे खुलते हैं. कहां पे, अच्छा लिवर के साथ ही गॉल ब्लैडर अटैच्ड है. पैंक्रियाज और लिवर दोनों ही एक ओपनिंग से खुलते हैं. इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला. तो हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला वो ओपनिंग है जहां पर ये हिपैटिक ट्यूब, मतलब कि लिवर की ट्यूब, इसको हम हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, और पैंक्रियाज की ट्यूब, पैंक्रेटिक डक्ट, दोनों की नलियां या पाइप्स जहां पे ओपन होते हैं उसको हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला है. मतलब कि लिवर और पैंक्रियाज दोनों ही अपने एंजाइम को सीक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लंबी एक पाइप है. इस पाइप को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, डुओडेनम, जोजेनम और इलियम. इलियम सबसे बड़ा पार्ट है.
अब देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जा करके यहां पर मिलती है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी वाली में, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए ये हमारी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, देखिए अब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में ओपन होती है, ये वाला पार्ट अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स एक अनडेवलप्ड पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट, 6 सेंटीमीटर का होता है, ये हमें अनडेवलप्ड है, हमारे पूर्वजों में एंसेस्टर्स में डेवलप रहा होगा। एंसेस्टर्स में ऐसे ऑर्गन, देयर आर सम ऑर्गन्स which were developed in our ancestors but they are not functional in our body right now. So due course of evolution what happened that they got disappeared or they got defunctional. The reason behind it, we do not need them. The same thing happened with appendix. These kind of organs which were functional in our ancestors but they are not working in our body. So aise organ jo hamari body mein koi kaam ke nahi rahe, ये हमारे पूर्वजों में एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे होंगे, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते क्या हैं, हम इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो अपेंडिक्स एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी हमें कोई अब जरूरत नहीं रही। लेकिन ऐसा माना जाता है व्हेन वी यूज्ड टू बी अ वाइल्ड एनिमल ऑन दैट टाइम इट माइट बी डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ये सेलुलोज का डाइजेशन करता रहा होगा। अब इसका कोई काम नहीं है, हम आप सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते। तो ह्यूमन जो चीज जो सुगर नहीं डाइजेस्ट कर सकते वो सुगर सेलुलोज है। इसके बाद ये है सीकम। सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर हम फिर से कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन ये वाला, डिसेंडिंग कॉलन और आखिरी में रेक्टम। सीकम में बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो याकुल्ट वगैरह जो खाते हो ना। हाउ इट्स पॉसिबल कि ये ऑर्गन फंक्शनल होता था तब अब नहीं है, ये स्पेशल रीजन बिहाइंड इट। एक्चुअली क्या है कि ह्यूमंस की देखो एवोल्यूशन हमने हुआ पासा, तो हमने क्या किया, हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर भी पहले काम करता था, अब नहीं काम करता। इंसान पहले जानवर था तो कच्चा खाना, घास खा जाता था, कच्चा मांस खा जाता था, वो सब खा जाता था, तो आदमी की फीडिंग हैबिट डिफरेंट थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान ने घर बना के रहना शुरू कर दिया, खाना पका के खाना शुरू कर दिया, मसाले लगा के खाना शुरू कर दिया, सॉल्ट डाल के खाना शुरू कर दिया, ह्यूमन इवॉल्व होता गया, तो आदमी की फीडिंग हैबिट भी तो चेंज हो गई। अब जब आदमी की फीडिंग हैबिट चेंज हो गई है तो धीरे धीरे उसमें जो उसका ये था ऑर्गन थे उनका भी यूज खत्म हो गया, ठीक है, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया जब उनका यूज ही नहीं रह गया, राइट। सो दिस वॉज द एवोल्यूशन। तो यहां पर सीकम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ विटामिन्स की सेंसेस करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो याकुल्ट वगैरह दही वगैरह जो आप खाते हो वो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यहीं इकट्ठा हो जाते हैं और हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजों में वो हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा करता है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रेक्टम आखिरी पार्ट है या एनल कैनाल, यहां से फूड बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ आया सर? एक बार और बता दीजिए क्या चीज पूरा। यस सर। अरे भाई इतनी पूरी कहानी समझा दी, तुम रोका करो ना जहां पे ना समझ में आए। देखो सर स्टोमक से बताइए, चलो मैं यहां से बताता हूँ, ये पूरा बताता हूँ। मुंह में आए, माउथ ओरल कैविटी, ऊपर पैरोटिड ग्लैंड, एक सलाइवरी ग्लैंड, नीचे दो सलाइवरी ग्लैंड, ऊपर वाली को पैरोटिड, फिर सबलिंगुअल, फिर सब मैंडिबुलर, दो दो पेयर पाए जाते हैं, दो दो जोड़े मतलब एक एक जोड़ा पाया जाता है, तो सबका एक एक पेयर पाया जाता है, तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हुए। अब यहां आते हैं, यहां पे फूड पाइप विंड पाइप एक साथ मिल रही होती है, यहां पे कर्टेन, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ये हमारा मुंह से लेकर के स्टमक तक एक पाइप है, इसको ईसोफेगस कहते हैं। इस पाइप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्विकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। तो ईसोफेगस एक पाइप है जिसके 3 पार्ट हुए। ईसोफेगस आके मिलता है स्टमक में, ये हमारा पूरा स्टमक वाला पार्ट है। स्टमक के बाद यहां से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से लिवर और यहां से पैंक्रियास, दोनों ही अपनी अपनी पाइप से एंजाइम छोड़ते हैं,
जिस कॉमन पाइप से एंजाइम छोड़ते हैं उसको हमने हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्बुला कह दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से आकर के यहां से यहां तक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, डुओडेनम, जोजेनम, इलियम। 6.5 मीटर लंबी है पाइप है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन पे जहां पे ओपन होती है यहां पे एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हम में अब काम नहीं करता, हमारे एंसेस्टर्स में, पूर्वजों में काम करता रहा होगा। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने चार पार्ट डिवाइड किए। पहला सीकम, ये पाउच की तरह, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ये रेक्टम। सीकम वो पार्ट है जहां पे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। बाकी पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये डाइजेशन का काम नहीं करती, मेनली डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है भाई? Yes, कोई डाउट होता है? नोट कर लिया पूरा? Yes, sir. सर लीवर में खाना नहीं जाता जैसे जो खाते हैं? ना 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 बेटा, लीवर में सर फिर दर्द क्यों होता है सर? जैसे बहुत बोलते हैं हमारे लीवर में दर्द है, फिर तो वो लीवर में देखो दोस्त, हम लोगों को एक बात है, लीवर सिर्फ आदमी का दो तरह से खराब हो सकता है। पहला वो आदमी जो अल्कोहलिक है, अल्कोहल पीता है, ठीक है, ज्यादा अल्कोहल पीता है, जो रोज पीने वाला आदमी, समझो उसका लीवर खराब हो जाएगा और तय है कि उसको 10 साल के अंदर वो निपट भी जाएगा, 5 से 10 साल के, 10 साल में। अगर हमारे मेरी एज का भी आदमी हो तो उस बच्चों में 10 साल ही और चल पाएगा, ये मान के। दूसरा खराब होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और मेडिसिन, ठीक है, खराब मेडिसिन, ज्यादा हार्मफुल मेडिसिन, पावरफुल मेडिसिन, है ना, ड्रग्स लेने से, क्योंकि लीवर का काम होता है, हम बॉडी में जितनी गंदी चीजें खाते हैं, टॉक्सिक चीजें खाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर, मेडिसिन से भी हो जाता है। एग्जैक्टली भाई साहब, मेडिसिन से लीवर खराब हो जाता है। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन ड्रग्स है। yes. तो हाई पोटेंशियल की मेडिसिन खाने से लीवर खराब हो जाता है ना? yes, तो लीवर में दर्द नहीं होता, वो एक्चुअली स्टमक में दर्द होता है लोगों के, समझे? आधी 99% पब्लिक को तो पता नहीं होगा, 99.9% पब्लिक को पता नहीं होगा लीवर किधर है। yes, ये कैसे बता दोगे दर्द लीवर में? तुम बताओ सर, वो बोलते हैं ना यहाँ ये लीवर, लीवर अरे वैसे लीवर में स्वेलिंग आती है, लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है, गंदा खाना खाने से, मतलब खराब हैबिट होने से ये होता है, या इन्फेक्शन हो जाने से। दूसरा क्या होता है, जैसे जॉइंटिस वगैरह होता है ना? यस सर। तो गंदा पानी पीने से जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जॉइंटिस के जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जाकर के लीवर को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे लीवर की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, उससे भी लीवर खराब हो जाता है, जॉइंटिस से भी खराब होता है लीवर। ओके ठीक है। और भाई कोई डाउट किसी को? इशिका, एवरीथिंग क्लियर? यस सर। मौना, ऑल क्लियर? ठीक है। शफत, क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, अभी भी दो लोग गायब है, दो लोग नहीं है। ठीक, अब देखो कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता, आप देखिएगा, ड्यूडेनम, जोजेनम, इलियम, इस्चियम, सॉरी ड्यूडेनम, जोजेनम, इलियम, ये सब दे दिया और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। हम स्टमक को भी कई सारे पार्ट पे डिवाइड करते हैं, ये सब हटा दूं जो लिखा हुआ है यहां पे? यस सर। देखो ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है। आप देखो सबसे पहले आता यहां तक, ये दिखाई दे रहा है ये एरिया? यस सर, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टमक। स्टमक के होते हैं भाई साहब कई सारे पार्ट। तो सबसे पहले होता है स्टमक का फंडिस, ऊपर वाले पार्ट को हम फंडिस बोलते हैं, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूं, है ना, इसको आप नोट करिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं।
देखिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपको, जिससे कि आप लोग सही से स्पेलिंग लिखो। सबसे पहले हम स्टमक को डिवाइड करते हैं, पूरी कहानी यहाँ पे बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा। देखो, सबसे पहले स्टमक को हम डिवाइड करते हैं फंडिस। फंडिस ऊपर वाला पार्ट है जिसमें गैस भरी रहती है, ठीक है। फंडिस के नीचे फिर आते हैं कार्डियक। कार्डियक वो वाला पार्ट है जो हमारे स्टमक के पास होता है। फिर आते हैं बॉडी, ठीक है, और फिर आते हैं पाइलोरिक, ठीक है। तो स्टमक के तीन पार्ट हैं, फंडिस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। स्टमक के बाद फिर आते हैं, अब तो देखो, तो स्टमक के हमने तीन पार्ट कर दिए, फंडिस, बॉडी, कार्डियक और क्या बीच में आ रहा है सर, ये कुछ लिखकर आ रहा। हाँ यार, वो भी मैं भी देख रहा हूँ क्या आ रहा है। विंडो तो नहीं खुली कोई, सर फंडस के बाद कार्डियक आएगा या बॉडी आएगा? अभी एक बट जाओ बस, फंडस के बाद कार्डियक आएगा, है ना। कार्डियक देखो ना, क्योंकि रीजन क्या है समझो बेटा, ये जो स्टमक का पार्ट हमारे हार्ट की तरफ होता है ना, उसको हम कार्डियक कहते हैं, ठीक, समझ गए? यस सर। फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरी, है ना। अब स्टमक की बात, तो पहला पार्ट हमारा स्टमक हो गया, दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने सारे पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इसके भी कई सारे पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आया स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, 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 है ना। अरे क्या हुआ, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, नेक्स्ट जेजुनम, जेजुनम, पेलियम, है ना। फिर आ गया जेजुनम, जेजुनम, एलियम, और उसके बाद हुआ जेजुनम, जेजुनम, एलियम, सही है, ठीक है, ठीक, राइट। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा? यस सर, कर लोगे? तो ये सीक्वेंस आप देखिएगा, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ सीक्वेंस है। इशिका याद रहेगा? यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, आप स्टार्ट करो, नोट करना स्टार्ट करो। तो यहां तक कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर हो गया है ना। तो देखो, मैं वैसे अगर किसी को ना याद रहे तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। सो द बेस्ट ट्रिक विच आई यूज टू डू, क्योंकि मास्टर में तो बहुत सारा होता है, तो आप ये एक, मेरे पास एक कैट है, बिल्ली है ना, ये एक मोटी सी बिल्ली मेरे पास, ठीक है, ये एक मोटी सी बिल्ली, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, ठीक है, ये ऐसी एक बिल्ली, बिल्ली जैसा ही ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली मान लो तुम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बिल्ली के ऐसे पीठ में, है ना, यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने डीजे रख दिया, ठीक है ना, और उसको बेल्ट से मैंने ऐसे बांध दिया, ठीक है, राइट। आते ना ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते हैं ना, है ना,
तो मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो बिल्ली कैसी है? मोटी। तो मैंने कहा, तो आपने पूछा कि, आपने मेरे से पूछा कि मैंने क्या किया, तो व्हाट आई सेड, मैंने बोला फैटी कैट की बॉडी पे डीजे इंस्टॉल कर दिया। तो मैंने क्या किया, फैटी एक कैट थी, फैटी कैट थी, उसकी बॉडी में डीजे इंस्टॉल कर दिया। एफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिस, सी फॉर कार्डियक, ठीक है, बॉडी मींस बॉडी, पे मतलब पाइलोरिक, डी फॉर ड्यूडेनम, जे फॉर जेजुनम, आई फॉर इलियम। याद रहेगा सीक्वेंस? यस सर। इफ दिस इज कॉल्ड लिंकिंग मेथड ऑफ मेमोरी, अगर आप ऐसे याद करना जानते हो तो आपको कितनी भी बड़ी सीक्वेंस हो आपको याद रहेगा। हालांकि मैं मास्टर्स में यूज करता था अपना ये तरीका याद करने का, राइट, बट दिस इज द बेस्ट वे। आपका सीक्वेंस कभी गलत नहीं हो सकता है, आपका सीक्वेंस मिस नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इफ यू कैन डेवलप दिस इज, ये कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपको खुद डेवलप करना होता है। अगर आप खुद से डेवलप कर सकते हो तो कितनी भी ज्यादा चीज आपको याद कर, क्योंकि बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू बी डॉक्टर, और डॉक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत याद रखना पड़ता है। सो यू कैन नॉट क्रैम लाइक दिस वे। इफ यू वॉन्ट टू क्रैम, यू हैव टू लिंक द थिंग्स अकॉर्डिंगली, और अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाओ भी याद रखो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, डेंटल फॉर्मूला है ना। तो कोई डाउट नहीं अभी तो किसी को? नो सर। ठीक है, अब देखो क्या है कि डेंचर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, है ना। सो व्हाट इज डेंचर फॉर्मूला, ये डेंटल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, अच्छा फिजिक्स क्लास, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2:30, हाँ ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो ठीक है। सो अच्छा फ्राइडे, यू पीपल आर कमिंग ऑन फ्राइडे, ठीक है ना, तो फ्राइडे क्लास फिक्स हो गई, अरे सॉरी आज वेंसडे क्लास फिक्स हो गई, ठीक है, 12:30, ठीक है, चलो बाय सर, बाय, थैंक यू सर, बाय, हैव अ गुड डे, बाय, वेलकम बेटा, बाय, हैव अ गुड डे, मौना कीप 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 यू कीप ऑन कमिंग ऑन क्लास एंड टाइम, ठीक है, बी पंक्चुअल, है ना, यस सर, हाँ चलो बाय, टेक केयर।